हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस सो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस आता है वलवुलर हार्ट डिसीजेस के अंडर सो जब हार्ट के जो वॉल्व्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको वलवुलर हार्ट डिसीजेस बोलते हैं सो so, उसी के अंडर आता है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस नाउ मिट्रल वॉल्व क्या होता है मिट्रल वॉल्व ज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट सो ये लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है सो so, ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड है सो लेफ्ट साइड पर कहाँ प्रेजेंट है बिटवीन टू चैम्बर्स द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सो टू चैम्बर्स के बिटवीन प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम ये है लेफ्ट वेंट्रिकल ये है इसके बीच में ये जो वॉल्व प्रेजेंट है ये क्या है ये मिट्रल वॉल्व है इस मिट्रल वॉल्व को और क्या बोलते हैं बाइक वॉल्व क्योंकि इसमें टू कस्प होते हैं एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व लेफ्ट एट्रीओ वेंट्रिकुलर वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है इसलिए इसको लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं नाउ ये टर्म क्या है पूरी डिसीज क्या है मिट्रल वॉल्व स्टिनोसिस नाउ वट इज स्टिनोसिस स्टिनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग नैरोइंग मतलब जब वॉल जो है नैरो हो जाएगा जितना उसको ओपन होना चाहिए उतना ओपन वो नहीं है लेकिन नैरो है कम ओपन है तो उसको बोलते हैं नैरो तो मिट्रल वॉल्व स्टिनोसिस का मतलब है जब मिट्रल वॉल्व अच्छे से ओपन नहीं हो पाता और वो नैरो रह जाता है जब ये वॉल्व अच्छे से ओपन नहीं होगा तो ब्लड आगे पास नहीं होगा और मिट्रल वॉल्व नैरोइंग हो जाएगी मीन्स मिट्रल वॉल्व स्टिनोसिस मिट्रल वॉल नैरोइंग की वजह से ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा उसको क्या बोलते हैं मिटर वॉल्व स्टिनोसिस नाउ डिसीज कंडीशन पढ़ने से पहले हम हार्ट की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको एक बार डिस्कस करेंगे सो so, ये हार्ट का डायग्राम है ये हार्ट की राइट right साइड है ये लेफ्ट साइड है सो so, हार्ट के राइट right साइड में ये क्या है राइट एट्रियम एंड ये क्या है ये है राइट right वेंट्रिकल सो so, जब हार्ट का जो राइट right साइड है उसमें मोस्टली क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो सुपीरियर वेना केवा है और इन्फीरियर केवा है ये राइट right एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है जब राइट right एट्रियम में ब्लड फिल हो जाता है तब यहाँ पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में अभी ब्लड नहीं गया इट मीन्स वहाँ पर प्रेशर कम है तो राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि अभी वहाँ पर ब्लड आया है फ्रेश ब्लड जो डी ब्लड है हमारी बॉडी से वो यहाँ पर आया है जब प्रेशर चेंज होता है दोनों साइड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में प्रेशर चेंज है राइट एट्रियम में ज़्यादा है राइट वेंट्रिकल में कम है तो इनके बीच में ये जो वॉल्व्स होते हैं राइट साइड पर ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है इसका नाम क्या है ट्राइक वॉल्व जब राइट एट्रियम में प्रेशर बिल्ड हो जाएगा तो ये ट्राइक वॉल्व जो है ओपन हो जाएगा जब ये ओपन होगा तो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा एक कंडीशन तो ये है कि जब ये ओपन होता है वॉल्व तब ब्लड आगे पास होता है जब राइट वें, एट्रियम में ब्लड होगा तो वॉल्व ओपन होगा तभी वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा फर्स्ट कंडीशन ये है सेकेंड क्या है जब राइट वेंट्रिकल में अब ब्लड आ गया है अब यहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो गया क्योंकि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा चुका है जब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड की वजह से तो ये जो वॉल्स हैं ये क्या हो जाएंगे क्लोज टाइटली क्लोज हो जाएंगे टाइटली क्लोज क्यों होंगे ताकि यहाँ से कहीं ब्लड जो है बैकअप ना हो जाए दोबारा से दोबारा से वापस राइट एट्रियम में ना चला जाए इट मीन्स बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का या फिर जिसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन तो रीगर्जिटेशन ब्लड का ना हो जाए वापस इसलिए ये जो वॉल्व है वो टाइटली क्लोज हो जाएगा सो सेकेंड कंडीशन ये हो गई तो वॉल्व के ये दो काम है एक तो ब्लड को आगे पास करवाना और दूसरा बैक फ्लो ना होने देना इसलिए वो टाइटली क्लोज हो जाते हैं अब यहाँ से ये जो ब्लड है वो किस में जाएगा पलनरी आर्टरी में पलनरी आर्टरी में भी सेम एक वॉल्व लगा हुआ है दैट इज़ पलनरी वॉल्व तो सेम कंडीशन वहां पर होगी जब राइट right वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा एंड ब्लड कहाँ चला जाएगा पलनरी आर्टरी से पलनरी आर्टरी से कहाँ चल जाएगा लंग्स में राइट right. और जब ब्लड लंग्स में चला गया तो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर थोड़ा कम हो गया तो ये जो वॉल्व है ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा टाइटली क्लोज हो जाएगा ताकि जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो ना हो सके अब लंग्स से जो पल्नरी आर्टरी लेकर गई लंग्स में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड को और वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी एलवेलाई से गैशियस एक्सचेंज होगा और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो पल्नरी आर्टरी अब ये पल्नरी आर्टरी जो लेकर गई थी लंग्स में ब्लड को अब जो आएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड वो किसके थ्रू आएगा पल्नरी वेन्स के थ्रू ये है पल्नरी वेन्स अब ये पल्नरी वेन्स ब्लड को कहाँ पर लेकर आएगी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में अब लेफ्ट साइड जो है हार्ट की वो क्या है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अब सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा लेफ्ट एट्रियम में जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया इट मीन्स लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया तो ये जो मिट्रल वॉल्व है कौन सा वॉल्व है मिट्रल वॉल्व इस वॉल की हम बात करें हैं मिट्रल स्टेनोसिस की बात करें हैं तो ये कौन सा वॉल्व है मिट्रल वॉल्व जिसको बाई कस्पेड वॉल क्योंकि टू कस्प से बना है लेफ्ट एट्रीओ वेंटिकुलर वॉल भी बोलते हैं तो ये जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और ब्लड कहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो ये जो वॉल्व है ये टाइटली क्लोज हो जाएगा ताकि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो सके सिमिलरली यहाँ से जो ब्लड है वो आयोटा में चल जाएगा थ्रू आयोटिक वॉल आयोटिक वॉल में जब ब्लड आगे चल जाएगा तो ये सिमिलरली क्लोज हो जाएगा ताकि ब्लड का बैक फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल में ना हो सके और आयोटा से हमारी पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड चला जाएगा सो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है इट मीन्स वॉल्स का क्या फंक्शन है वॉल्स का फंक्शन क्या है हमारे हार्ट में जो ब्लड है उसको ओनली वन डायरेक्शन में फ़्लो करवाना हार्ट में ऐसे ही तो ब्लड फ्लो करता है यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स देन पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा ऐसे तो नहीं है ना कि उल्टा चल जाता है ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है और ये एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाने का काम किसका है वॉल्स का तो अगर वॉल्स का ये काम है कि ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना और इसी वॉल में अगर कोई दिक्कत आ जाती है कोई प्रॉब्लम आ जाती है सपोज इसमें दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एक तो हम पढ़ रहे हैं दैट इज मिट्रल वॉल्स चिनोसिस मिट्रल वॉल्स चिनोसिस का मतलब है नैरोइंग मतलब ये जो वॉल्व है ये जितना ओपन होना चाहिए जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर जाएगा फिल हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम ब्लड से तो ये जितना ओपन होना चाहिए ब्लड को आगे पास करने में लेफ्ट वेंट्रिकल में पास करने के लिए उतना ये ओपन नहीं हो पाएगा तो इसको क्या बोलते हैं मिट्रल वॉल्व स्टिनोसिस मीन्स जो वॉल्व है वो नैरो है नैरो किसी भी वजह से हो सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब वॉल्व नैरो हो जाएगा तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा बहुत थोड़ा थोड़ा जाएगा फुली नहीं जा पाएगा जितना जाना चाहिए था एक कंडीशन ये है दूसरी वॉल्व कंडीशन क्या होती है कि ब्लड सपोज यहाँ पर आ भी गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया यहाँ पर ब्लड है लेकिन ये जो वॉल्व है ये टाइटली क्लोज नहीं हो पा रहे अब जब यहाँ पर ब्लड आ गया तो ये वॉल्व बंद नहीं होंगे तो क्या होगा कि ब्लड वापस चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में अगर ब्लड वापस चला गया वॉल्स के बंद ना होने की वजह से तो उसको क्या बोलते हैं ब्लड का बैक फ्लो और कंडीशन क्या है रीगर्जिटेशन तब इसको क्या बोलते हैं रीगर्जिटेशन तो वॉल्व में मेनली दो प्रॉब्लम आ सकती है एक तो स्टिनोसिस नैरोइंग की और दूसरी रीगर्जिटेशन की यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं मिट्रल वॉल्व स्टिनोसिस सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है और डिसीज कंडीशन क्या हो सकती है डेफिनेशन आप पढ़ लेते हैं मिट्रल वॉल्व की स्टिनोसिस की मिट्रल वॉल्व स्टिनोसिस या फिर सिंपली इसको मिट्रल स्टिनोसिस भी बोलते हैं इज़ अरोइंग ऑफ द मिटरल वॉल्व जब मिट्रल वॉल्व नैरो हो जाता है ये है हमारा मिट्रल वॉल्व और ये जब नैरो हो जाएगा नैरो मतलब कि ये नैरो हो जाएगा पूरी तरह से खुल नहीं पाएगा जो इसका डायमीटर है इसकी जो ओपनिंग का डायमीटर है वो कंप्लीट नहीं होगा उससे कम हो जाएगा तब उसको बोलते हैं नैरोइंग द नैरो वॉल्व कोजेज ब्लड टू बैकअप इन द लेफ्ट एट्री मैंने बताया जब ये जो वॉल्व है वो नैरो हो जाता है जब ये वॉल्व नैरो हो जाएगा तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा इस वॉल्व से आगे नहीं जा पाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा तो ब्लड यहीं पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब ब्लड का जो बैक फ्लो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम से अगर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आगे नहीं जा पा रहा तो मतलब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा वापस बैक फ्लो ही होगा ना कहाँ पर जाएगा वापस पल्मोनरी वेन से लंग्स में राइट सो इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल सो लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करने के बजाय ये जो ब्लड है उसका बैक फ्लो होने लग जाता है लेफ्ट एट्रियम में तो एक्यूमुलेट होने ही लग जाता है ब्लड उसके साथ साथ पल्लरी वेंस के थ्रू लंग्स में बैक फ्लो होने लग जाता है ब्लड का प्रेशर एंड ब्लड बिल्डअप इन द लेफ्ट एट्रियम ब्लड भी बिल्डअप हो रहा है लेफ्ट एट्रियम में आगे नहीं जा रहा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फील होगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में जिसकी वजह से क्या होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लार्जेस जिसकी वजह से ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है ये बड़ा हो जाता है अपने साइज से एन हो जाता है फ्लूड एंटर द लंग अगर यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये जो ब्लड है वो पीछे ही तो वापस जाएगा क्योंकि वो आगे ब्लड जा ही नहीं रहा तो ये लंग्स में वापस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है जो लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर ब्लड वापस चला जाता है बैकअप होने लग जाता है जिसको क्या बोलते हैं कंजेशन इन द लंग्स सो so, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी और इसके डिजीज़ कंडीशन क्या है मिट्रल वॉल स्टिनोसिस जब मिट्रल मिटर वॉल्स्टिनोसिस हो जाता है मिट्रल वॉल नैरो हो जाता है तो ये कंडीशन होती है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाता लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पर ब्लड और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज हो जाता है और उसके साथ साथ ही लंग्स में वापस ब्लड चल जाता है वहाँ पर बैकअप होने लग जाता है ब्लड का जिससे क्या होगा कि एक तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी पर्सन फटीक फील करेगा क्योंकि आगे तो ब्लड नहीं जा रहा हमारी जो बॉडी है उसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जा रहा जब टिश्यूज को नहीं जाएगा तो हम फटीक फील करना स्टार्ट करेंगे हम टायर्ड हो जाएंगे और जब ज़्यादा सीवियर हो जाएगी ये कंडीशन तो हम रेस्ट पर भी टायर्ड फील होंगे राइट प्लस दूसरी कंडीशन क्या होगी अगर यहीं पर ब्लड रहेगा लेफ्ट एट्रियम में तो यहाँ पर क्लोटिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे जब क्लोट यहाँ पर बनेगा तो क्लोट आपको पता ही है रिस्की है अगर किसी भी आर्टरी के थ्रू कहीं भी किसी भी वैसल के थ्रू अब ब्रेन में चला गया तो स्ट्रोक हो जाएगा और भी कई कंडीशन हो सकती हैं क्लोट बनने की वजह से एक तो क्लोट बन गया और इवन हार्ट फेलियर भी हो सकता है क्योंकि हार्ट नॉर्मली फंक्शन नहीं करा लेफ़्ट एंट्रीम एनलार्ज हो गया है जिसके कारण क्या होगा एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी जो एट्रिया है वो फिब्रिलेशन हो जाएंगे मीन्स उनके जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी जिससे कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ मिट्रल वॉल्सटिनोसिस नाउ मिट्रल वॉल्स टिनोसिस के क्या क्या कोजेज हो सकते हैं ये क्यों होता है मिट्रल वॉल्सटिनोसिस सो फर्स्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट कोज है वो क्या है र्यूमैटिक हार्ट डिसीज सो र्यूमैटिक हार्ट डिसीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमनली कोज है जिसकी वजह से मिट्रल वॉल्स टनोसिस होती है वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ रूमेटिक हार्ट डिसीज़ किस वजह से होती है रूमेटिक फीवर की वजह से सो रूमेटिक फीवर क्या है एक इंफ्लामेट्री और ऑटो इम्यून डिसीज़ कंडीशन है इंफ्लामेटरी का मतलब है कि वो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज है उसमें इन्फ्लामेशन करता है हमारे हार्ट के जो कनेक्टिव टिशू है उसमें भी इन्फ्लामेशन कोर्स करता है जॉइंट्स में इंफ्लामेशन कोर्स करता है और ये किसकी वजह से होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से सो so, जो ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से र्योमेटिक फीवर होता है अगर ये अर्ली स्टेजेस पर ट्रीट ना किया जाए तो ये सीवियर हो जाता है ये हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है अगर ये हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है तो हार्ट में मोस्टली ये जो एंडोकॉ एंडोकार्डियम लेयर है सबसे जो इनर लेयर है हार्ट की उसको अफेक्ट करता है नाउ अगर एंडोकार्डियम को अफेक्ट कर रहा है तो एंडोकार्डियम हमारे वॉल्स को भी लाइन कर रही है सो so, जो हमारे वॉल्स हैं वो भी इससे अफेक्ट होते हैं वॉल्स में इंफ्लामेशन हो जाती है वॉल्स स्टिफ हो जाते हैं स्टिफ का मतलब है वो हार्ड हो जाते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है जिसकी वजह से वो नैरो हो जाते हैं तो दैट इज़ द मेन रीज़न र्यूमैटिक हार्ट डिजीज एक मेन रीज़न है मिट्रल वॉल्स टिनोसिस होने का सो नेक्स्ट इज एंडोकार्डाइटिस नाउ एंडोकार्डाइटिस अगर हम र्यूमैटिक एंडोकार्डाइटिस की बात करें जो र्यूमैटिक फीवर की वजह से होती है तो उसको बोलते हैं रूमैटिक एंडोकार्डाइटिस दैट इज़ इन्फेक्शन ऑफ वॉल्स अगर वॉल्स में इन्फेक्शन हो जाएगा तो अगेन वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे इंफ्लामेशन uh, होने की वजह से मिट्रल वॉल में ये क्या हो जाएंगे हार्ड हो जाएंगे स्टिफ हो जाएंगे जब ये हार्ड और स्टिफ हो जाएंगे तो वो क्या है नैरो रहेंगे अच्छे से ओपन नहीं होंगे मतलब उनमें जो फ्लेक्सीबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी तो uh, एक रीज़न है रिमेटिक हार्ट डिसीज़ जो कि मेन रीज़न है उससे भी यही होता है इन्फ्लामेशन स्टिफनेस और हार्डनिंग ऑफ द मिट्रल वॉल देन एंडोकार्डाइटिस अगर वो रिमैटिक फीवर की वजह से एंडोकार्डाइटिस हुई है तो रिमेटिक एंडोकार्डाइटिस जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा वॉल्स में अगर और कोई इन्फ्लामेटरी एजेंट की वजह से एंडोकार्डाइटिस हुई है सो तो सेम वॉल्स में इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लेम्ड होने की वजह से वो स्टिफ हो जाएंगे और मिट्रल स्टिनोसिस हो जाएगी नेक्स्ट इज़ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट समटाइम्स क्या होता है कि कॉन्जनाइटल ही वॉल्स में कोई प्रॉब्लम होती है बाय बर्थ ही वॉल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बाय बर्थ क्या होता है कि जो वॉल्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं पार्शली फ्यूज जब वो वॉल्स पार्शली फ्यूज़ होगा तो जब ब्लड यहाँ पर बिल्डअप होगा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा तो ब्लड आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा पार्शली फ्यूज़ होने का मतलब है जो ओपनिंग है वो कंप्लीटली ओपन नहीं है पार्शली ओपन है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जा पाएगा तो कॉन्जेनाइटल बर्ड डिफेक्ट या फिर कॉन्जेनाइटल जो वॉल्स हैं उसमें डिफेक्ट होने की वजह से भी मिट्रल वॉल्स चिनोसिस होता है नेक्स्ट इज कैल्शियम डिपोजिट्स बिल्डअप ऑन वॉल्स ना समाइम्स क्या होता है ये जो वॉल्स होते हैं मिटरल वॉल्व जो है ये कैल्सीफाई हो जाता है कैल्सीफिकेशन मतलब इसमें जो कैल्शियम डिपोजिट होने लग जाता है जब इसमें कैल्शियम डिपोजिट होगा तो ये हार्ड हो जाएंगे स्टिफ हो जाएंगे और इनमें फ्लैक्सीबिलिटी नहीं रहेगी कैल्शियम डिपॉजिट मेनली जो ओल्डर एज है उनमें होता है एज के साथ साथ यहाँ पर कैल्शियम बिल्डअप होने की वजह से मिटरल वॉल्व पर ये जो वॉल्स हैं इनमें स्टेनोसिस हो जाती है नेक्स्ट कोज है ल्यूपस ल्यूपस या फिर इसको बोलते हैं सिस्टमिक ल्यूपस एरिदमे टोस सो सिस्टमिक ल्यूपर एरिमेटोसिस की वजह से भी क्या होता है ये भी ऑटो इम्यून डिसीज़ कंडीशन है जिसको सिंपली ल्यूपस भी बोल देते हैं सो ऐसे ली एक ऑटो इम्यून डिसीज़ कंडीशन है इससे भी क्या होता है कि जो हमारे हार्ट के जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है ये भी इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून डिसीज़ कंडीशन है ऑटो इम्यून का मतलब है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपने ही टिश्यूज़ को अटैक करने लग जाता है सो so, ये भी हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है इसकी वजह से भी हमारे जो वॉल्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है कोई या फिर की वजह से भी obstruction create हो सकती है, और जो ब्लड है वो आगे पास नहीं होगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में सो बेसिकली मिट्रल वॉल्सोसिस ही नहीं narrowing ही नहीं, जबकि एक ऑब्स्ट्रक्शन भी है अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी आगे ब्लड पास नहीं होगा नेक्स्ट इज रेडिएशन ट्रीटमेंट सम रेडिएशन ट्रीटमेंट जैसे कि अगर आप कोई चेस्ट पर रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं सपोज आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो भी हमारे जो वॉल्स है उसको अफेक्ट करती है उससे भी हमारे वॉल्स इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं डीजनरेशन हो सकती है वॉल्स में एंड उस वजह से भी मिटरल uh, स्टिनोसिस हो सकती है नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मिटर वॉल स्टिनोसिस नाओमिटरवाल स्टिनोसिस कैसे होती है ये हमने पढ़ लिया इसके कोजेस क्या है, ये हमने स्टडी कर लिया नाओमिटरवॉल स्टिनोसिस की वजह से इस डिसीज़ कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी में क्या अफेक्ट पड़ता है उसको हम स्टडी करेंगे सो so, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मिट्रल वॉल्स हैं जब ये नॉर्मली ओपन रहते हैं तो इनकी जो ओपनिंग का जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए सो so, मिट्रल वॉल्व की जो नॉर्मल ओपनिंग है वो होती है फोर टू सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये नॉर्मल है अगर फोर से कम ओपन हो रही है इट मीन्स वहाँ पर नैरोइंग है अगर ड्यूरिंग uh, डायस्टोल uh, जब रिलैक्स है तो कितनी ओपनिंग उसकी होनी चाहिए फोर टू सिक्स सेंटीमीटर स्केयर अब जब आ, आगे चला जाएगा ब्लड लाइक सपोज अगर मैं बोल रही हूँ लेफ़्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है सो so, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तब तो ऑब्वियसली ये मिटर वॉल बिल्कुल टाइटली क्लोज हो जाएंगे लेकिन नॉर्मल टाइम पे जब ये ओपन रहते हैं तो कितना इसका डायमीटर होता है दैट इज़ फोर टू सिक्स सेंटीमीटर स्केयर अगर कम होता है सपोज़ अगर टू सेंटीमीटर स्केयर पर आ जाता है तो टू सेंटीमीटर स्केयर पर जो हार्ट मरमर है दैट इज़ अब नॉर्मल साउंड वो सुनाई देने लग जाती है अगर वन सेंटीमीटर स्केयर पर आ जाता है तो ये बहुत ही सीवियर स्टेज है ये क्रिटिकल स्टेज है इस स्टेज पर सीवियरली सिम्टम्स शो होते हैं एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यहाँ पर अपीयर हो सकती है सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मीज जो भी हमने कोजेज अभी डिस्कस किए हैं उसकी वजह से क्या होता है मिट्रल वॉल्व नैरो हो जाता है मिट्रल वॉल्व इज नैरो अब ये नैरो होकर क्या होता है इनसफिशियंट ब्लड फ्लोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा तब क्या होगा इसमें ब्लड प्रॉपरली फिल नहीं होगा बिकॉज जो मिट्रल वॉल्व है ये नैरो है एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम विद एमुलेटेड वॉल्यूम ऑफ ब्लड अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं गया तो लेफ्ट एट्रीयम क्या हो जाएगा यहीं पर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा क्योंकि आगे तो जा नहीं रहा तो लेफ्ट एट्रियम एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाएगा वहाँ पर जो ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे क्या होगा एलिवेटेड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल अब जिससे क्या होगा लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो जाएगा प्रेशर एलिवेट हो जाएगा एलिवेटेड पल्नरी वेनस प्रेशर अब क्योंकि लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड एक्ूमुलेट uh, हो गया यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इसके पीछे क्या है पल्नरी वेन्स जो कि लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड लेकर आ रही हैं लंग्स से तो पल्नरी वेन में भी प्रेशर एलिवेट हो जाएगा पलनरी वेन में प्रेशर एलिवेट हो गया और एलिवेटेड राइट साइडेड प्रेशर राइट साइडेड प्रेशर मतलब अगर पल्नरी वेन में प्रेशर एलिवेट हुआ है तो इट मीन्स लंग्स में प्रेशर इंक्रीज़ है अगर लंग्स में इंक्रीज़ है तो लंग्स के आ, कौन जा रही है पल्मनरी आर्टरी लेकर जा रही है ब्लड तो पल्मनरी आर्टरी में भी इंक्रीज हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में भी इंक्रीज हो जाएगा सो तो अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो पीछे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं चाहे वो फिर पल्मनरी वेन है लंग्स हैं लंग्स के बाद पल्मनरी आर्ट्री फिर आ, हमारा राइट वेंट्रिकल एंड देन राइट एट्रियम में भी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब लंग्स में प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई मीन्स पल्मोनरी हमारी जो आर्टरीज़ हैं वेंस हैं उनमें प्रेशर इंक्रीज हो गया लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो गया पल्मोनरी कंजेशन हो गया जो वेंस और आर्टरीज है उसमें प्रेशर uh, इंक्रीज़ होने की वजह से इससे क्या होगा डायलेशन एंड सिस्टोलिक डिसफंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ पल्नरी हाइपरटेंशन जब पल्नरी हाइपरटेंशन हो जाएगी तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसमें भी डायलेशन और सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा उसमें भी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो कंट्रेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आएगी देन क्या होगा राइट वेंट्रिकुलर ओवरलोड राइट वेंट्रिकल में भी ओवरलोड हो जाएगा सो so ये सभी प्रॉब्लम्स आएंगी मिट्रल वॉल्स टिनोसिस की वजह से एंड आफ्टरऑल जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या होगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं गया तो आगे ब्लड आयोटा में कैसे जाएगा तो कार्डिय आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा हमारी बॉडी को भी ब्लड नहीं जाएगा टिश्यूज में जो परफ्यूजन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ मिट्रल वॉल्सिस स्टे ट्यून फॉर पार्ट सेकंड ऑफ मिट्रल वॉल्सो एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग